Yeah, hi, welcome to FSA Entertainment. My name is Faz Zariwala. I'm basically from Mumbai at Muxer Horse Fair 2024. Today is the 11th of January 2024. And once again, ये जो vlog है हिंदी और इंग्लिश, इसमें दोनों भाषाओं का प्रयोग होगा. अगर आपको दिक्कत है कोई भी एक लैंग्वेज से, प्लीज़ अभी रोक दीजिए और ये वीडियो ना देखिए, ठीक है? कोई और चैनल देखिए जिसमें आपकी पसंदीदा भाषा यूज़ की है. इसमें दोनों इंग्लिश और हिंदी का इस्तेमाल किया जाएगा. सो आज है 11 जनवरी 2024 एंड आई एम स्टार्टिंग माई डे विद एन एग रोल. नुकरा स्टैलियन का शो था. आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ डन और नॉट. देन मारवाड़ी टू टीथ फिली है एंड कोल्ड का भी शो है. आई सी इफ आई कैन कवर. वैसे कोई एंट्री तो बाहर खड़ी नहीं है, प्रॉब्ली इट विल टेक सम टाइम. और डिस्प्ले हॉस्टिंग भी है 2 बजे. हो गया सर? हो सर जी, आपकी है? बछेरा बछेरी है? कितने का दे रहे हो? कितना मांग रहे हो? लिया है हमने. कितने में लिया आपने? हमने 16,000. 16,000 रुपए में? कितने महीने का है? ओके जी, 16,000 रुपए का घोड़े का बच्चा. सर जी, कितना बोला था पहले इसका? हा? पहले दाम कितना बोला था? पहले कितना मांगा था? 30 से आया 16 में. चलिए मिलते हैं पहले घोड़े वाले से. नमस्ते सर. नमस्ते जी. क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम बलबीर सिंह. मैं आपसे जब परिचय करना चाहा, आपने बोला एफएसए को, तो आप देखते हो पहले से? बहुत, मेरे को 5-6 साल हो गए. 5-6 साल हो गए. अच्छी लगती है हमारी वीडियो? अच्छी होती है. ठीक है, आपसे शायद पहली बार मुलाकात. पहली बार मुलाकात. कहाँ गए? लेकिन याद बहुत किया आपको. जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. हम मुंबई से आते हैं खास ये मेले के लिए. कभी मिस नहीं करना चाहते, बहुत मजा आता है. सिर्फ कहाँ पे रहते हैं? अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है. आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं पंजाब का रहने वाला हूँ. कहाँ पे? हमारे गाँव का नाम है भार सिंहपुरा. कितना दूर है यहाँ? तहसील यहाँ से 200 किलोमीटर. कौन सी तहसील में? फिलौर तहसील. फिलौर तहसील. फिलौर. हाँ, PHI LLAUR. फिलौरी एक आई नो फिलौर बड़ी फेमस जगह है. हाँ. एक कोई मूवी भी आई थी मेरे ख्याल से. बनता रहता है ना? जी, किला भी है उसमें. आप क्या करते हो फुल टाइम? घोड़ों का व्यापार करते हो? पहले कनाडा में रहता था. 5 साल पहले हमने घोड़ों का काम शुरू किया था. तो अब रिटायरमेंट के नज़दीक हैं. अभी मैं पहले 1 साल घोड़ों के पास रहा हूँ, क्योंकि मेरी ये फैमिली है अब. हाँ, जो ओरिजिनल फैमिली है वो कनाडा में है. अभी ये इंडिया और कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेटिक राव हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो उससे बड़ी कुछ दिक्कत आ गई कि कम लोग जा रहे हैं कनाडा पंजाबी से? नहीं, थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा है ना. हाँ, बिजनेस को भी फ़र्क पड़ा है. तो जो कड़त्तन जब आ जाती है तो फिर थोड़ा सा फर्क तो पड़ता ही है ना. लेकिन कनाडा में पंजाबीज बहुत है. बहुत ज़्यादा. हमारी ऑडियंस भी बहुत आती है यूट्यूब पे, पता चलता है कनाडा से देख रहे हैं. अभी फिलहाल आप घोड़ों का व्यापार करने आए हो इस मेले में? हाँ, व्यापार भी है, शौक भी है. कोई शो में उतार रहे हो कुछ घोड़ा? शो में अभी इसको लेकर जाएंगे, ये वाला. हाँ, रात अपने वो 3 बच्चे लेकर जाने थे, और लेकर हम रास्ते में लेट हो गए. तो शो के टाइम इन्होंने कंडीशन लगाई हुई थी कि वही आदमी घोड़ों लेकर आ सकता है जिसके पास रिपोर्ट हो ब्लड टेस्ट की. कुछ ग्लैंड वगैरह का मसला चल रहा है. जिला बाई जिला जो रिपोर्ट लेनी थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि रिपोर्ट को 2 दिन लग जाएंगे. फिर उसने टाइम लगा दिया आने के लिए. फिर हम 1 दिन लेट हो गए, नहीं तो 3 बच्चे हम लेकर जाते कंपटीशन में. तो सिर्फ शो में क्या, घोड़े मेले में जितने घोड़े आने वाले हैं सारों को ग्लैंडस का टेस्ट कराना? हम तो बनाकर लेकर आए. अच्छी बात है. इतनी दूर से आना है, अगर फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वापस जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. वाकई में इतनी बीमारी फैली है पंजाब में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है. तो कहाँ से यह अफवाह उठ गई? ये 2-3 कोई केस के आए होंगे जिला वाइज एक आधा. तो गवर्नमेंट ने बनाया, रूल बनाया, तो हम तो उस रूल को फॉलो करना चाहते हैं ना. आपका घोड़ा, कोई घोड़ा कभी ग्लैंडर का शिकार हुआ है? बिल्कुल. क्या वजह होती है सर ये बीमारियों की? ग्लैंडर का तो नमी बीमारी है, उसका तो मालूम नहीं है. हमने तो कभी सुना भी नहीं है. अब मेरे पास 25 जानवर हैं, 24-25 छोटे बड़े मिलाकर, हमने नहीं कभी सुना है ना. क्या तकलीफ होती है उसमें घोड़े को?
वो पेट में ही होती है, पेट में ही होती है। घोड़ा कैंसर नहीं होता जैसे, वो नॉन क्यूरेबल है, उसका कोई इलाज ही नहीं, उसको तो टीका ही लगाते हैं। अच्छा टीका लगा, तो आपके साथ है वैसे? हाँ, जो हमारा डॉक्टर है ओके, वो बोलता है कि इसको अपना अगर हो तो फिर टीका लगाना पड़ता है। ओके, तो ये जो है ये बछेरा है, बछेरी बछेरा है ना, बछेरा बछेरों का शो है आज। हाँ, मेरे ख्याल से अभी स्टैलियन है, फिर हॉर्स शो है, जाएंगे टू टीथ, बट आज तो फिली का। अच्छा हाँ, लास्ट में है, रात में शाम को 2 बजे बोलते हैं, लेकिन 5 बजे पाँच 6 बज जाएंगे। क्या नाम है सर ये बछेरे का? इसका नाम है महावीर। महावीर आपके घर पे पैदा हुआ है कि खरीदा आपने? ये गुजरात में पैदा हुआ था, जो पहाड़ सिंह है, बहुत बढ़िया ब्रीडर है ना, उसका नाम तो सुना होगा, पहाड़ सिंह नावा, ओके, गुजरात में। उसका जब कोई भी ऐसा शो नहीं जहाँ पर उसका अच्छा नंबर ना आया हो, एक पहला स्थान दूसरा स्थान उसका होता है। अच्छा, तो इसका जो धरती घोड़ी पिछले साल फरीदकोट में जीत कर गई थी ना, अच्छा उसकी घोड़ी जीती थी। हाँ, ये उसकी, हाँ ये उसका छोटा भाई, उसका छोटा भाई है। क्या उम्र है इसकी वैसे? हाँ, उम्र कितनी है अभी इसकी? उम्र 30-31 महीने हो गई। 30-31 दो दांत? हाँ, अभी दो दांत अभी किया नहीं, अखाड़ता है। दो दांत कितने महीने में करता है? 32-33 महीने 33 महीने, कोई 3 साल भी कर देता है। फिट बहुत है ये, है ना? फिटनेस तो फिर अपना संभाल के ऊपर होता है ना। क्या है, जब लिया था तब कितने महीने का था ये? ये मेरे को 1 साल हो गया इसको आए हुए, साल से ज्यादा हो गया। आप बेच देते हो क्या? कुछ लगाव सा हो जाता है तो आप ही पालते हो? नहीं, अपना चारे बच्चों में बेचने के लिए भी लाए हैं, अगर कोई अच्छा पैसा लगाएगा तो बेच भी देंगे, क्योंकि हमारे पास और भी है ना जानवर। मेरे पास जो 10-12 घोड़ी क्रॉस कराई हुई है, कोई 7 महीने की गबन है, कोई 8 महीने की है ना, कोई ब्याई हुई भी है 3-4, तो फिर इतने कहाँ रखेंगे। अच्छा, इसको हैंडल कौन करेगा शो में? शोमन में ये हमारा मेन बंदा है। ये हैंडलों पे भी बड़ा प्रेशर होता होगा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सभी चीज तो हैंडल करने के पर डिपेंड करती है ना। आपको क्या उम्मीद है सर? उम्मीद हम टॉप 1, 2, 3 टॉप 6 ऐसी कभी सोचा नहीं, लोगों को दिखाने के लिए लाए हैं कि हाँ, कि ऐसी तो हार जीत कोई मायने नहीं रखता है, खाली पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। हार जीत एक ना तो जीतना ही है ना, सिर्फ एटलीस्ट लोगों को देखने तो मिलेगा, है ना, है ना, इसीलिए लेकर आया। क्या नाम रखा है आपने इसका? महावीर। महावीर राजवीर का बच्चा है, राजवीर का बच्चा महावीर। क्या हाइट पकड़ा है सर अभी? कितनी हाइट आपको लगता है इसका फादर है? इसकी फादर की हाइट कितनी है? जो इसका फादर है वो तो 64 से भी ऊपर है, ये भी जाएगा। 63-64 में अच्छे दिखते हैं, ज्यादा नहीं, हम लाइक भी नहीं करते। हमारे पास घोड़ा है अपना अशोक का बच्चा है, अब तो 6 साल के नजदीक है वो, 64 है, हम बहुत खुश हैं। मारवाड़ियों में तो यही हाइट अच्छी लगती है, जो कुछ लोग हैं जो गलत तरीके से हाइट करते हैं उससे मैं सहमत नहीं। तो हाइट नेचुरल हो, नेचुरल हो, नेचुरल उसका भी तरीका होता है, तरीका अच्छा। 60% जो लोग हैं ना वो बस इसीलिए है कि हमारा 68 होना चाहिए, 70 होना चाहिए, बस उसको उसी से चीज़ें देते हैं। हमारे तो हमारे पास हमने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं दिया, अपना पास है जौ गर्मी में और चौकर चने, और सियाल में अब सर्दी आ गई है ना जी, तो बाजरा देते हैं जी, आप यहाँ पे आइए सर, धूप यहाँ से बाजरा देते हैं और चौकर चने, फिर अपने मूंगफली का तेल देते हैं। एक घोड़े पालने में एक घोड़े पर कितना खर्चा आ जाता है? कभी अंदाजा लगाया नहीं, ये सभी तो यही बोलते हैं, लेकिन फिर भी एक 10,000 महीने का अंदाजा तो नहीं लगाया, क्योंकि मैं तो इनको ऐसे समझता हूँ कि मेरे को जो हमारे गुरु साहब है ना, उनके बक्से बक्से की हुई है। अब लोग बोलते हैं कि एक घोड़ा रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मेरे पास बांधने के लिए जगह नहीं है। सर आप क्योंकि बहुत जानकार लगते हैं, आप ये मुक्सर मेले के बारे में कुछ जानकारी देंगे, इसका क्या महत्व है, इसका कोई धार्मिक महत्व है? धार्मिक महत्व था, पहले गुरुद्वारा साहब है हमारे गुरु साहब का, तो धीरे धीरे यहाँ अपने जो ऊँट होते थे इस इलाके में बहुत बढ़िया होते थे, फिर घोड़े तो अभी आए थोड़े सालों से, तो वो जो माघी का मेला है ना, माघी का मेला होता है और शहीदों के नाम पर, तो गुरु साहब की बख्शिश है पवित्र धरती पर, तो हौली हौली जो घोड़ों वाले हैं वो इसको
बढ़िया रंग दे दिया। तो आपने जब से होश संभाला तब से मेला लग ही रहा होगा मेरे ख्याल से। नहीं जी, मैं तो 84 से कनाडा में था, तो वहाँ मेहनत की, सेटल हुए, बाल बच्चा मेरा उधर है, वाइफ भी, बच्चा भी, गुड़िया भी, तो मेरा शौक था। हाँ, तो फिर मैंने हूँ रिटायरमेंट के नज़दीक था, तो मैंने सोचा कि अब अपना शौक पूरा करना है। पंजाबियों में मैं पहले देखता था नुकरों का बड़ा चयन था, लेकिन आजकल पंजाबी मारवाड़ी को बड़ा प्रेफरेंस दे रहे हैं। हाँ नहीं, कुछ लोग हैं अपना, सारे नहीं, कुछ लोग नुकरे को पसंद करते हैं, मेरे पास तो एक ही है बच्ची। अभी देखिए जैसे नुकरों का शो है स्टैलियन का, ज़्यादा कोई एंट्री दिख भी नहीं रही है। हाँ हाँ, क्यों ऐसे पता नहीं, नुकरा तो गढ़ थोड़ा कम हो गया है ना, और मारवाड़ी में लाइन लगी रहती है बाहर। हाँ, मारवाड़ी तो फिर एक से एक बढ़कर लाते हैं। एक्चुअली क्या रंग होता है अलग, तो देखने मजा रंग भी देखता है, और जो चीज नुकरे में है ना, हाँ मारवाड़ी का कुछ और ही टेस्ट है। चलिए थोड़ा सर, अगर बेचना होगा इसको तो क्या दाम में आप बेचना? दाम तो अगर कोई अच्छा लगाने वाला होगा तो फिर आपके हिसाब से अच्छा आपको लगना चाहिए ना, लगाने वाले का तो उसका दाम अच्छा लगेगा, आपको क्या सुनने अच्छा लगेगा? नहीं नहीं, दाम की तो बात ऐसे है, तो कई लोग घोड़े को घोड़ा समझते हैं, उसकी चार टांग होती है, एक पूछ होती है, दो कान होते हैं ना। हाँ। लेकिन कई लोग हैं वो 2-2.5 लाख रुपया सोचते हैं कि हमने घोड़ा लेना है, लगाना है ना। ये तो जो लाइन के बच्चे हैं ना, वो बहुत महंगे हैं। आपके आपने सुना होगा 25-25 लाख, 50-50 लाख, 1-1 करोड़, पुष्कर में एक बछेरी बिकी है हमारी बछेरी जैसी, तो 1 करोड़ 11 लाख की बिकी है। ये सिर्फ बिकती भी है क्या, हवा चलती है? नहीं नहीं, बिकती है, बिकती है, बिकती है, बिकती है। पंजाबी बड़े पैसे वाले बिकती है। नहीं पंजाबी नहीं, ये आपको बहम है। अच्छा। हाँ, गुजराती भी बहुत पैसा लगाते हैं। वो तो है। हाँ, राजस्थान में भी लगाते हैं। गुजरात में हमारे पास घोड़े जा रहे हैं, हमारे पास आए थे राजस्थान से, तो वो एक बच्ची है हमारे पास 6 महीने की, खूब पैसा लगा रहे थे। मैंने बोला कि नहीं, मैं अगले साल पूछ कर मैं इसको लेकर जाऊंगा और चंगे नोट लेकर आऊंगा। सर इसकी क्या चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है? मुझे पर्सनली इसका नेक प्रोफाइल बहुत अच्छा लग रहा है, आपको क्या पसंद आता है? जो इसका बाप है ना, वो नामी घोड़ा है। एक तो होता है कि सिंपल होता है ना, इसका बाप बहुत नामी घोड़ा है, और जिसके पास से मैं लेकर आया हूँ वो ऐसा इंसान है, वो तो एक आंख से ऐसे देख कर बता देता है ये क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। जब उसने मेरे को भेजा था तो बोलता था, बलवीर सिंह आपको मैं दे तो रहा हूँ लेकिन इसको साम कर रखना है, 65 से कम नहीं होगा, मैं आपको लिख कर देता हूँ। मैंने बोला चलो मैं तो विश्वास नहीं करता, पैंट शर्ट स्टार्ट है ना, ऐसी कोई बात नहीं। हाइट में भी आप इंटरेस्टेड होने चाहिए, सुंदर तो है, सुंदरता बहुत सुंदर है। हाँ, और दूसरा बच्चा देखो उसकी सुंदरता कितनी, वहाँ पे चले। हाँ, इसका रंग बड़ा सुंदर है सर, इसका बाप बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, मेरे पास ही हो। क्या नाम है बच्चे का? इसका दमनवीर। हाँ, दमनवीर, दमनवीर। हाँ जी, ओके। और वो महावीर है, दमनवीर, महावीर और दमनवीर, एक हमारे घर में है, वो जोधवीर है, अरे एक निक्का है 1 महीने का, वो सूरवीर है, सारे वीर है, सारे वीर, सारे वीर है। ये भी गुजरात से आया? नहीं, ये हमारे घर की पैदाइश, ये घर की पैदाइश है। क्या लाइन है, ब्लड लाइन कौन सी? ये रत्नाकर लाइन, वो भी रत्नाकर, वो भी रत्नाकर लाइन, और मदर साइड है, मदर साइड राजतिलक है इसकी माँ। ओके, राजतिलक की। ओके, क्या हाइट की है इसकी माँ और बाप? माँ की तो हैगी 59। जो लोग बोलते हैं कि नहीं जी 65 की घोड़ी हो तो अच्छा बच्चा देती है, मैं सभी को बोलता हूँ कि भाई जो ये जो आप वहम करते हैं ना, डाउट करते हैं, ऐसी नहीं बात नहीं होनी चाहिए। हमारे पास 59 की घोड़ी है इसकी मदर, और इसका बाप 64 है। ओके, अभी ये 24 मंथ का हुआ, तो आप अंदाजा लगाएंगे जब 5 साल का हो जाएगा तो कैसे होगा। तो बाप की जीन्स ज्यादा है। हाँ हाँ, है ना। ये भी बेचने के लिए लाएंगे, ये भी शो में उतरेगा, ये भी बेच देंगे, चारों में से कौन सा भी, और ये शो में उतरेगा? नहीं, ये तो लेट हो गया, कल हो गया। तो अच्छी इसका हो गया, ठीक है। ये 2 है घोड़े अपने, और वो अंदर 2 बच्ची हैं, वो बेचने की है। हाँ, वो बता दें हम। खरीदार आते हैं यहाँ पे ज्यादा कि सैर सपाटे के लोग ज्यादा होते हैं? अभी तो आए हैं, अभी हमने तो ये 1 घंटे से बाहर निकाला है इनको। हाँ हाँ, रात अंदर ही थे, कल ही आए हमें, रात हमें 2 बज गए। ये अबलग बड़ी सुंदर है, बछेरी है? इसका बाप पता कौन है? बछेरी है, बछेरा है, बछेरी दोनों है। हाँ, बड़ी सुंदर है। कौन है इसका बाप सर? ये शिवराज की बच्ची है। मुझे मुझे इसका रंग बहुत अच्छा लगता है, इसका शिवराज, इसका मुंह देखो शिवराज की, बहुत ब्यूटीफुल है, मुंह देखो, गिलास में पानी पिला सकते हैं। ये क्या उम्र की है सर? ये 16 महीने की। माशाल्लाह, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, और वो भी फिट है, वो भी सुंदर है,
वो हमको बोला था उसने देव की बोल कर दिया। देखो ना उसका नेक, उसका नेक नहीं इतनी है। ऐसी आगे जाती है, बहुत सुंदर लगती है वो। इनके दोनों को फिर ये थोड़ी जाड़ी है लेकिन ये फिटनेस नहीं है इसकी। जो माँ है ना 68 इसको एक्सरसाइज नहीं करा रहे हो आप? थोड़ी ये मोटी है। नहीं नहीं अभी तो लिस्सी है अभी। हाँ जो मैं मेरी गैर हाजिरी में थोड़ा सा आप क्योंकि हमारे पास जानवर जा रहे थे तो रखने को मकान कम था तो ये दोनों इकट्ठी रखते हैं। ओके वो देखो इसको निके नीचे दंदी भी बड़ी हुई है जब मुँह और निके निके जो निशान है ना इसको काट देती हो दूसरी। दोनों फ्रेंड्स हैं। और क्या नाम रखे हो इनका? इसका तो अबला की बोलते हैं इसको। नाम उसका नाम उसका नाम परी है। इसका नाम नहीं रखा है। प्यार नहीं है इसे। इसे प्यार इससे प्यार तो 65,000 रुपये मैंने सिर्फ इसकी डिलीवरी का दिया। अगर प्यार ना हो तो फिर नाम तो रखो ना बच्चे का नाम नहीं रखेंगे। नहीं नहीं रखते हैं सभी का रखा हुआ जितने भी हमारे पास तो ये अभी अभी है। नहीं नहीं इसको नाम रख देंगे पर लेकिन हमारे एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसका नाम नहीं है। ये जो शौक है सर आपको है कि आपके बच्चों को भी है? अभी मेरे बच्चों को भी है सारी फैमिली को का शौक है। इतना पैसा इतना खर्चा है करोड़ों के हिसाब से खर्चा हुआ है ना। बेशक अगर बच्चे आप फैमिली आपका सपोर्ट नहीं करती तो आप कामयाब नहीं हो सकते। बेस्ट पार्ट है पंजाबियों के पास आपके पास जगह है पालने। हमारे बम्बई में जगह नहीं है। हाँ बम्बई भी पंजाब में बहुत पंजाब में जगह बहुत है पालने के लिए काफी पैसे के लगते हैं ना। जी 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 और शौक रहना चाहिए बस। शौक के आगे का पैसा उसके आगे पैसा नहीं देखा जाता। बहुत देखता है। इनका दाम बता दोगे सर? नहीं इनका भी नहीं। चलिए आपका नंबर बता दोगे? फोन नंबर क्या है आपका? क्या नंबर? मेरा नंबर है 7798 01984। और आपका पूरा नाम क्या है सर? बलबीर सिंह बैंस। बलबीर सिंह बैंस। बैंस ओके। बैंस स्टड फॉर्म ओके। हमारा स्पेलिंग क्या है? BAINS स्टड फॉर्म। बैंस स्टड फॉर्म। ये आपका कुछ लास्ट नेम है हमारा? ओके लास्ट नेम है बलबीर सिंह बैंस। हां जी थैंक यू सो मच। वंडरफुल टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका जो आपने कोशिश की हमारे भी अच्छे भाग हैं क्योंकि मैं आपको कम से कम 2019 से मैं बना रहा हूँ। 5 साल तो हो गए मेरे को। मैं बोलता कि प्रदीप तो आता रहता है ना जी जी। तो मैं आपका सोचता था आपकी इंटरव्यू देखता हूँ ना फिर गेट इन टच नहीं हुआ ना क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। इसलिए अगर मैं नहीं हूँ आप ये 4-5 बंदा काम करता है ना फिर अगर मैं इतने नहीं हूँ तो ये क्या आपको बताएंगे ना। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने में मजा आ गया। 15 मिनट कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला वरना लोगों का 1 मिनट इंटरव्यू लेने के लिए भी मुझे इतने सवाल करने पड़ते हैं। मैं आपका 1-1 मिनट का धन्यवाद करता हूँ जो आपने समय दिया। माय प्लेजर सर। माय प्लेजर। मेरे भी प्लेजर है मैं क्योंकि मैं आपको 2 रोज पहले भी आपको याद करता था कि याद कैसे करता था आप हो एक दूसरा है वो सरवन भाई। मैं तो ऐसा भी सोचता कि मैं आपका किराया लगाऊं और अपने फार्म का विजिट कराऊं। इंशाल्लाह सर नेक्स्ट टाइम अगर जल्दी आना हुआ तो हम फेसबुक जरूर आपको मैसेज करता हूं व्हाट्सएप पे लिंक भेजता हूं आपको। ठीक है थैंक यू। नंबर व्हाट्सएप पे है आपका ये वाला? हां जी व्हाट्सएप। ओके मैं करता हूं आपको। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलिए ऑन टू द नेक्स्ट हॉर्स। ये जेंटलमैन का हॉर्स है सर। आपका नाम क्या है? जीवन सिंह सर। आपका नाम? जीवन सिंह। और कहाँ के रहने वाले हो आप? बोरजीटल मा पेंडा जी जिला मानसा अपना। मानसा के? हाँ जी। और लुधियाना के करीब जो आता है वो? नहीं मानसा जिला मोड़ मानसा। ओके ओके। हाँ जी हाँ जी। सर एक बछेरा है आप? हाँ जी बछेरा है। 2 teeth colt आपने बोला है देखिए जरूर देखने वाली चीज है। हाँ जी हाँ जी। क्या नाम है सर ये बच्चे का? इसका बादशाह नाम है जी। बादशाह इंद्र बादशाह। ये अपने फार्म की पैदाइश है क्या आपने खरीदा है? नहीं हमारी पैदाइश है फार्म की। अच्छा हाँ जी। क्या नाम है आपके फार्म का? फार्म का नाम लवी टिल्लो स्टड फार्म। और कितने घोड़े हैं आपके पास? हमारा तो नोकली मतलब 4-5 जानवर रखे हुए जी। हाँ जी। उसमें से ये बेस्ट है? हाँ जी ये बेस्ट है। हमारे घर में 2 बच्चे एक बच्चा और अलवक्ष का जी शहरी वाले अलवक्ष का बच्चा जी अपने पास। सर अपना बच्चा सभी को अच्छा लगता है चलो लेकिन आप ये बताइए इसमें क्या खास बात है जो शायद दूसरे बच्चे में नहीं है? इसमें चलो खास तो जिसने घोड़े रखे हैं हर के लिए अपना खास होता है ना। हाँ मेरे लिए बहुत खास है। इसकी हाइट प्रति भी हाइट भी बहुत अच्छी है इसकी और पैरों की मजबूती है जो वो भी बहुत मजबूत है जी। हाइट क्या है इसकी? हाइट इसकी कार्ड प्लस है। और कौन सी ब्लड लाइन का है ये सर? ये ब्लड लाइन बाज नहीं पादले वाला उसका बच्चा ही है। और उसकी क्या हाइट थी सर? उसकी 9 inch हाइट थी जी। और मदर साइड? 60 inch सॉरी 60 inch 66। हाँ जी। और मदर साइड कौन है? मादर इसकी है जी सुल्तान मिर्जा की है जी इसकी मदर वो भी हमारे पास ही है जी।
जी चलिए म्यूजिक बंद हुआ फाइनली। ठीक है सर, क्या उम्र है वैसे इसकी अभी फिलहाल? इसकी उम्र है जी 20 महीने होगी जी। हाँ जी, क्या क्या पर्पस के लिए आपने लिया है सर ये? हाँ जी, क्या पर्पस के लिए लिया? इसको ब्रीड के लिए रखेंगे जी। क्या उम्र का हो जाएगा तो ब्रीडिंग के लिए? ब्रीडिंग के लिए जी 3-4 महीने के लिए इसको रियाल्ट लेने के लिए 1-2 गोड़ी पे छोड़ देंगे जी। हाँ, उसके बाद रियाल्ट आ जाएगा प्रॉपर। और 3-4 महीने? हाँ 3-4 महीने के लिए, इसके 3-4 महीने के बाद छोड़ देंगे जी। ओके ओके। हाँ जी सर, आपके फार्म पे जो घोड़िया है, हाँ जी, उनके और भी तो बच्चे हो गए, कोई अच्छे हाँ बेडलाइन के निकले हैं क्या इसके? इसकी इसका भाई है जी एक हमारे पास, बोल वक्ष का बच्चा है, वो भी हमारे घर पे ही है। ते एक गोड़ी हो रहा है हमारे पास, ते वो भी हमारे घर पे ही है। सर ब्रीडिंग का कितना चार्ज लोगे आप? बहुत सारा पॉकेट का? हाँ वो बाद में बताएंगे, पॉकेट में कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। हाँ जी, फिलहाल तो कोई विचार नहीं है, जो यार दोस्त मित्र प्यारे के बोलेंगे वो ही बोल देंगे, कोई बात नहीं। हाँ जी, पहले तो रिजल्ट बताना चाहिए क्या है। लोग बोलते कि ब्रीडिंग के लिए अवेलेबल है, लेकिन एक रिजल्ट आ जाए जब पब्लिक को दिखे तो लोग पैसे देंगे। हाँ जी हाँ जी, सही। पहले मर्तबा तो बड़ा मुश्किल होगा। हाँ जी हाँ, ऐसे आप देंगे पैसे। इसके बाप के जो रिजल्ट आया सर, फर्स्ट क्लास रिजल्ट आया जी। बट जरूरी नहीं ना बाप जैसा रिजल्ट निकाले, बच्चा भी वैसे निकाले। नहीं सर, बाप पे तो जाएगा ना बच्चा। हाँ, जो हम ऐसे ही बोल देते हैं ना, बाप पे तो जाएगा ही ना। जरूरी नहीं है। नहीं जरूरी है। बाकी परमात्मा पे भरोसा है, जो रिजल्ट आने के बाद में पता चल जाएगा जी। मेन आपका ये बिजनेस है स्टार्ट फार्मिंग का? बिजनेस नहीं कह सकते जी, ये हम तो इनकी सेवा करते हैं। शौक है? हाँ शौक है, हम इसकी सेवा करते हैं, ते बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं बोल सकते। कितना खर्चा आ जाता है एक बच्चा पालने में ऑन एन एवरेज? सारा खर्च देख के नहीं बच्चे पाले जाते, ये तो दिल से पाले जाते हैं। तो जेब भी तो अच्छी रहनी चाहिए। वो तो परमात्मा देने वाला परमात्मा है, हम तो सेवा करते हैं, ऊपर वाला और दे आपको। हाँ ठीक है, चलो वो तो। लेकिन गरीबों का शौक नहीं है ना ये? नहीं, कार गरीब भी सकता है, थोड़ा दिल होना चाहिए। दिल के साथ? हाँ, परमात्मा पे भरोसा रख के दिल पे। अगर किसी के पास पैसा है उससे ज्यादा दिल के जेब में गड्डी भी तो होनी चाहिए ना। गड्डी तो परमात्मा अपने आप ही दे देता है, अपने आप रास्ता बन जाता है। वो गड्डी नहीं है, पंजाबी में गड्डी यानी गाड़ी होती है, हमारे बम्बई में गड्डी यानी नोटों की गड्डी उसको कहते हैं। अच्छा सर, क्या नाम बताया ये बच्चे का? बादशाह जी, बादशाह इंद्र बादशाह। और कितनी हाइट लेगा ये? हाइट तो हमारे हिसाब से तो आपके अपने बाप पे जाएगा जी। 66? हाँ जी। क्या उम्र तक के घोड़ा जो है हाइट करता है सर? हाइट तो 5-6 साल तक कर जाता जी। 5-6? हाँ जी, 5-6 साल तक। हाँ जी ठीक है। अगर ये बेचना हो आपको, किसी को इंटरेस्ट है? नहीं 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 सर, नहीं नहीं, बेचना तो हमने किसी की इसकी कोई कीमत नहीं सारा, ये हमारे लिए अनमोल है। आपके लिए ना, लेकिन लोग तो मोल लगाएंगे ना इसका, जो खरीदार रहेगा तो। सर इसका जो बैक एंगल है इतना खूबसूरत आता है, जो पुट्ठा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? दैट्स सो ब्यूटीफुल, बहुत फिट है। थैंक यू सर, माशाल्लाह, वेरी नाइस सर, बहुत बहुत मुबारक। आपका नंबर देना चाहोगे लोगों को? हाँ जी, 9851 जी। थोड़ा अंग्रेजी में दे दो कि तो मुझे भी समझेगा। 9851 जी 05577। अब आप बोलो अंग्रेजी में। 9815100 5177277। और आपका नाम क्या है? करमजीत सिंह। थैंक यू। और आपका नाम क्या था? जीवन सिंह सर। जीवन सिंह। घोड़े का नाम? बादशाह, इंद्र बादशाह। बादशाह, हाँ जी। क्या सोच के रखा है सर बादशाह नाम आपने? बादशाह जो परमात्मा ने बस पहले ही राजा बना दिया। हाँ, राजा का ना खुद ही मुकुट। इसका लॉन्च का बाद में बताएंगे सारा किसी और वीडियो में, इसका इंद्र बादशाह नाम क्यों रखा गया। मुझे इसका जो बैक का एंगल जो पोज है ना, बहुत अच्छा लगता है, जो घोड़ा ऐसा खड़ा होता है। थैंक यू सर, बहुत सुंदर है। थैंक यू, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो सर, क्या नाम है आपका? सुधीर सर, हम उत्तर प्रदेश के। क्या नाम है सर आपका? सुधीर तिवारी। और यूपी से आयो? यूपी में कहाँ पर? श्रावस्ती जिला, श्रावस्ती जिला बहराइच के पास। बहराइच से हो? अरे वाह, बहराइच के बहुत लोग मिलते हैं मुझे। सर कौन सा घोड़ा है इनमें से आपका? लाल वाला। लाल वाला, क्या नाम है घोड़े का? सिकंदर। शो में उतारने वाले हो? उतार दिया कल। हाँ। क्या रिजल्ट आया? 10 नंबर पे आया। 10 नंबर पे। और कितने घोड़े थे? घोड़े तो 45-50। 45 में से 10 नंबर तो बहुत बड़ी बात है सर। अच्छा ही है, सेकंड राउंड तक चला गया था और 35-40 मुड़ गए, उनका क्या होता है। हाँ, बहुत अच्छा है सर, बहुत बहुत मुबारक। क्या डिटेल्स है इसकी? इसका बाप संग्राम है। संग्राम, नाम क्या है? अलीशान दा पोतरा है। इसका नाम सिकंदर। सिकंदर इसका नाम है, बाप का नाम संग्राम। और मदर साइड कौन है? मदर साइड तो मालिक नु पता, इन्ना नु पता। क्या हाइट पकड़ा है सर ये? इसमें 62 प्लस है।
और अभी उम्र एग्जैक्टली है, उम्र 22 महीने की, 22 महीने की। रंग बड़ा सुंदर, ये रंग को क्या कहा जाता है? इस रंग को थोड़ा हल्दी रंग भी बोल देते हैं, मतलब अच्छा रंग माना गया इसको। रंग को कहते क्या है? रंग को यार थोड़ा भूल गए हैं, मतलब क्या क्या पर्पस के लिए लाए हो आपने ये? बेचना है आपको? नहीं नहीं बेचना नहीं है, बस थोड़ा इसे घूमने थोड़ा सीखने के लिए आए। क्या सीखा आपने मेले में? यहाँ आकर सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। कुछ एक चीज बताइए जो आपने सीखा यहाँ पर। यहाँ बंदे को आकर बहुत कुछ, जैसे कि बंदा आया तो उसने कैसी देखभाल करी है घोड़े की, ये देखा वो घोड़ा के क्या। बंदे अपने जैसे यारी दोस्त बहुत मिलते हैं ना, वो बताते हैं कि ऐसे खिलाओ ऐसे पिलाओ, बहुत दोस्त बन जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये बात है। ये आप कितने महीनों से पाल रहे हो? बचपन से पाल रहे हैं कि अभी भी खरीदा आपने? नहीं, ये आया है जतिन के फार्म से। कहाँ पर है ये फार्म? इनका फार्म मेरठ है, यूपी में, मेरठ में, मेरठ के फार्म से। कौन सा फार्म बोला आपने? वहाँ जतिन नाम है, मेरठ। ओके ओके। कल एक मेरठ से आए थे सारे इन फार्म वाले। हाँ, वो भी बड़ा दूर से एक बहुत अच्छे, उनका फार्म का नाम बहुत दूर, उनका फार्म भी बहुत अच्छा। हाँ, देखभाल बहुत अच्छी, केयर बहुत अच्छी करो। सर मुझे इसकी फिटनेस बहुत अच्छी लगी। हाँ, फिटनेस, रंग, रुबाब, नेकलाइन, कान वान बहुत सुंदर है सर। सिकंदर नाम है, राइट? सिकंदर नाम। कितने में लिया था आपने ऐसे? कितने में लिया था ये तो मालिक को बताऊंगा। अच्छा अच्छा। और बेचने का कोई इरादा नहीं? बेचने का मूड है। हाँ, इसको रखेंगे। कितना महीना उम्र बताया आपने? 22 months, 22 महीना। ये दो दांत नहीं किया ना? नहीं नहीं। कब करते हैं घोड़े दो दांत? 26-27 महीने तक कर जाते हैं। किसी ने बोला 32 महीने लग जाते हैं? हाँ, लग भी जाते हैं, किसी किसी कोड़े नू लग भी जाते हैं। अच्छा, कोई कोई जल्दी कर देता है। एक कोड़ा हमारे यहाँ है, वो अलीशान दा पोता, मतलब पर पोता है, वो 26-27 महीने तक कर गए। ओके ओके। मज़ा आ गई सर इसको देख के, इसकी प्रोफाइल शाइनिंग वाइनिंग बहुत अच्छा है। ये तो कम्बल बहुत पजाया है इसको, थोड़ा ठंडा कर दिया, नहीं तो बहुत गर्म था। बहराइच से लेके आए आपने? कितना? नहीं नहीं, बहराइच से नहीं लाए हैं। तो अभी यहीं पे? अच्छा, आप बहराइच के? हम बहराइच के। और ये कहाँ पे है? ये लुधियाना पैनी साहब में रहता है। हाँ, ओके ओके ओके। अच्छा, आप हैंडलर हो? हाँ, हैंडलर। हैंडलर तो शो में आप हैंडल कर रहे थे? हाँ। थोड़ा नर्वसनेस आपको भी होती होगी ना भाई, घोड़ा बिचक गया तो भाई सही है जी, मेरा पत्ता कट जाएगा फिर, ऐसा नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मालिक का भरोसा करता है। जी 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 जी, बहुत अच्छा मेंटेन किया है सर, बहुत अच्छा। हाँ, वैसे क्या तैयारी की थी आपने शो में उतारने से पहले? तैयारी कुछ नहीं, बस तैयारी वही रहती है अपनी सालों साल। जैसे जी मैं बाकी मालिश मुलिस थोड़ा केयर ज्यादा कर देते हैं, जैसे एक टाइम हो, तीन टाइम, दो टाइम कर दो, कुछ एक्सरसाइज वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा बहुत कराई जाओ। ओके ओके। आप लोगों का नाम क्या है? गुरसेवक सिंह। और आपका नाम? हरजोत सिंह। आप लोग सारे संभालते हो घोड़ों को? ओके। मतलब हम काम करते हैं, हमारे घर का ही काम है सारे। ओके ओके ओके। भाई भाई मान लो आप, भाई भाई समझ लो, ठीक है। लुधियाना की करीब, राइट? वहाँ पे अगले महीने जगराव लगेगा, जगराव लगने वाला है फरवरी में या नहीं? गए बार कैंसिल हो गया था ना, ये बहुत कैंसिल होते रहते यार पंजाब के मेले, होना चाहिए, मजा आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई फार्म का नंबर वगैरह है, किसी को कांटेक्ट करना हो तो? लिख लो जी। क्या नंबर है? 9570-97-77-30। आपका है क्या? पाजी का मालिक। क्या नाम है उनका, ओनर का? कलवंत सिंह। कलवंत सिंह, ओके, थैंक यू सो मच। वैसे सोनू पाजी से नाम, सोनू के नाम से, सोनू पाजी का कुल्फी वाले, हमारी कुल्फी भी बहुत मशहूर है। सोनू कुल्फी वाले पूछोगे उधर लुधियाना, सोनू कुल्फी वाले मशहूर है। सोनू कौन से फ्लेवर की फेमस है? खोए वाली कुल्फी, श्री पैनी साहब की स्पेशल खोए वाली। अच्छा, यहाँ पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यहाँ पे हमारी गाड़ी लगी है, नहीं वो डुप्लीकेट, डुप्लीकेट डुप्लीकेट है हमारी, नहीं। चलो खा ही लेते, डुप्लीकेट ही सही, थोड़ा बहुत टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये है सिकंदर 22 महीने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Nukhra Stallion show has just started. Apparently it was supposed to start at 10 o'clock in the morning. There has been a slight delay. Entries to bahut kam dikh rahi hai, jitne ghode marwadi mein aate utne to nukre mein hai nahi. Halanki Punjab jo hai nukro ka gadh mana jata hai, lekin nukro ki entries bahut kam hai surprisingly. Ek ye hai and there's just the second one. Let me zoom in. फिलहाल तो आई कैन ओनली सी टू, एक और आया है माशाल्लाह। वेटरनरी ने कराते पेड़ पौधे
रणवीर चालियन नाम है इसका बादशाह, बादशाह ऑल द बेस्ट सर. Beautiful horse. Very tall, apparently. क्या घोड़ा है यार, सुपर. वेटनरी चेक हो रहा है बादशाह घोड़े का. बादशाह घोड़ा आया है स्टैलियन कैटेगरी में. वंस अगेन ये है बादशाह घोड़ा. कौन सा सर आपका घोड़ा है? बात कर सकते हो तुम. चार फोर टाइम विनर है बादशाह घोड़ा. ही से विल टॉक लेटर. सर वैसे क्या हाइट का बादशाह है? सर जी क्या हाइट है बादशाह की? क्या हाइट का घोड़ा? हाँ सर वैसे हाइट क्या है बादशाह की? 67. ब्यूटीफुल. All the best, sir. Thank you. Vijay Shera. Stallion Vijay Shera. So that's Stallion Vijay Shera. शानदार घोड़ा है ये है. नेक्स्ट स्टैलियन क्या नाम है सर उसका? से क्या नाम है घोड़े का? पाब्लो. वेरी एलिगेंट. वैटनरी चेक तो मैनू नहीं आना, मैं स्वागत करता जी साढ़े वे
ये है स्टैलियन पाब्लो। चलिए कल नुकरा मेयर में कल ये छठी पोजीशन पे थी। क्या नाम है इसका सर? बबली। बबली। और कितने कंटेस्टेंट थे, कितने घोड़िया थी शो में? शो में छह ही थे। और ये छठी पायदान पे क्यों आपको लगता है लास्ट पोजीशन पे आई है? हाँ, लास्ट में, लेकिन फिर भी टॉप सिक्स में अच्छी बात है। नुकरे में। इससे पहले कोई शो में उतारा था आपने इसको? कौन से शो में? बटाले में, पटियाला में, बटाला बटाला अमृतसर, बटाला बटाला हॉर्स शो वो जो। ओके, उसमें कौन सी पोजीशन पे आई थी? तीसरी में, थ्री में, थर्ड पोजीशन। ओके, ये आपके घर पे पैदा हुई है? हाँ, घर के। अभी 5 साल की है। हाँ। बेचने का इरादा है अभी शो जी? इतने का है। क्या क्या मांग रहे हो पैसे आप? 12 लाख रुपए। हाँ। इतने क्यों? 12 लाख तो कम है। आप तो पैसे वाले लगते हो, हमारे लिए तो बहुत है। क्यों 12 लाख? सर 12 लाख हो जाएगा, कुछ गुंजाइश है? हमारे पास घोड़ा भी है। बच्चे कैसे निकालिए? गपना 3 महीने। ये 3 महीने कौन से घोड़े से? दिलबाग से। दिलबाग। ओके ओके, सर आपका नंबर देना चाहोगे हमारे ऑडियंस? हेलो, क्या नंबर है? 9414174। ओके, 65942। 9414 65942। और आपका पूरा नाम सर? शेर सिंह। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओहो, एक और स्टैलियन आया। ओहो, क्या फिट है यार, उछल कूद वाला। सर क्या नाम है घोड़े का? सर जी क्या नाम है घोड़े का? हीरा। ब्यूटीफुल। नुकरे भी एक से एक है। शैलियन हीरा ये है स्टैलियन हीरा। एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात घोड़े हो गए अंदर। एक बार हाजरी ला लो जी, सारे पूरे हो गए तो जा सैपन। सेवन स्टैलियंस इनसाइड। These are the 7 contestants of Nukra Stallion category. Number 1, contestant number 407, contestant number 397. What a horse. Oh. Ek se ek.
All horses are good. I don't know which one to pick as my favorite. नुकरों में कोई डिफिकल्टी होती है बिकॉज सारे एक ही रंग के रिंग के बाहर डॉक्टर बैठे हैं बाहर जाके करा लो आज बाहर ही नहीं डॉक्टर डॉक्टर साहब एक घोड़े का वेटनरी चेक कर दो जी उसका वेटनरी चेक नहीं हुआ था I like this one. Bhai, aap logo ka kaun sa favorite hai? Please hame batana because for me they all look alike. They all are very good. Ye wala ghoda bhi bahut shandar hai. Wow. Zabardast ghoda hai. I like it. जी क्या नाम है घोड़े का व्हाइट कोबरा वाओ क्या हाइट है व्हाट इज द हाइट नाम बड़ा अच्छा रखा है व्हाइट कोबरा आया है स्टैलियन कैटेगरी में कॉम्पीट करने के लिए द नेम इज वेरी यूनिक वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव नेम दैट आई हैव कम अक्रॉस व्हाइट कोबरा कोई शो जीता है पहले या उतरा है कौन सा हनुमानगढ़ का कौन सी पोजीशन पे था फर्स्ट कौन से साल ये साल अच्छा सर ये आपका ना आपका घोड़ा है सर कौन सा हनुमानगढ़ में कौन से साल चैंपियन था ये 2021 नाम बड़ा क्रिएटिव रखा है आपने ब्लैक को व्हाइट कोबरा वेरी क्रिएटिव नेम सर बॉर्न एट योर फार्म आपके फार्म पे पैदा हुआ है नहीं मैं ले आया था चलिए देखो उम्मीद है यहाँ पे व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन टॉप थ्री फर्स्ट टॉप सिक्स आप वो तो कोई चक्कर नहीं पहला थर्ड या फोर्थ कोई चक्कर नहीं यू विल बी हैप्पी कोई भी डिसीजन से ठीक है कौन सी ब्लड लाइन का है सर ये राजू का बच्चा और पद्मा और अली का सगा रियल ब्रदर है ओके बेचने का इरादा है नहीं नहीं ठीक है ब्रीडिंग के लिए अवेलेबल है क्रॉसिंग के लिए एंड हाउ मच डू यू चार्ज कितना चार्ज करते हो 31,000 रुपीज आप रहते कहाँ पर हो सर मैं बीपीओ रनिंग डिस्ट्रिक्ट मोगा के हो ओके वुड यू लाइक टू शेयर योर नंबर आपका नंबर दे सकते हो दर्शकों को 67 हाइट राइट इसकी 65 है ओके नाम बड़ा क्रिएटिव रखा है सर बहुत यूनिक नेम है व्हाइट कोबरा विश यू ऑल द बेस्ट सर थैंक यू जी क्या नाम है घोड़े का नवाब कोई शो जीता है पहले कोई शो जीता है पहले पहली बार क्या हाइट का है क्या हाइट का है 67 और कहाँ का है कहाँ के रहने ओके अच्छा मुक्सर का ही है मुक्सर का है नाम क्या बताया आपने मांगटकेर पिंड इसका मुक्सर का नवाब आया है कम्पीट करने के लिए फर्स्ट टाइम शो में ऑल द बेस्ट सर ऑल द बेस्ट एज कितनी है दी उम्र कितनी मेरी उम्र हेलो उम्र 3.5 साल है केड़े कोड़े दा बच्चा सिंधवाज दा ही मुक्सर का नवाब जी क्या नाम है घोड़े का अलबख्श और कौन सी सिटी का है ये कहाँ का सतारा हो कहाँ का है कर्णपुर राजस्थान से है राजस्थान से आए हो आप ओके कोई शो में पार्टिसिपेट किया है भाई छोटे मोटे रेलिंग के नाल ना पचाले कौन से शो में जीता ये
5 नंबर पे इस साल की बात कर ऑल द बेस्ट सर है ना क्या हाइट का है वैसे इसकी 65 गेट कोने ला लियो जी अल बख्श नाम रखा है आपने बहुत अच्छा सर तुम भी दूसरे पासे ला लो कहां के रहने वाले हो आप का कर्णपुर श्रीगंगानगर श्रीगंगानगर का है अल बख्श हाइट कितनी 65 और उम्र अभी 4 हुआ है ओके ओके मेरे चैनल का नाम ये है फहद फहद जरी वाला सर ये कौन सी ब्लड लाइन का है ये पहले घोड़ा था हमारे पास युवराज और जो राजू है डोडाला उसका पोता है ये अभी कुछ क्रॉसिंग के लिए अवेलेबल नहीं है हाँ अभी हाँ कितना लेते हो आप क्रॉसिंग का फी अभी इसका 11 और रिजल्ट कैसा आ रहा है रिजल्ट अभी 3-4 बच्चे आए हैं अच्छे स्पॉटलेस बच्चे आ रहे हैं क्या उम्र के हो गए अभी बच्चे है आपके पास फोटो अभी फोटो है आपको दे देंगे ओके ओके अभी तो बच्चे हुए हैं 2-3 मंथ अभी तो बच्चे समझ में 2-3 मंथ के हुए हैं ठीक है जी आप नंबर देना चाहोगे हमारे दर्शकों को नंबर जरूर देंगे हनुमानगढ़ का अल बख्श ओपन फॉर क्रॉसिंग क्या नंबर है 95115 99813 हनुमानगढ़ का है राइट डिस्ट्रिक्ट गंगानगर तहसील कर्णपुर अच्छा गंगानगर का है सॉरी हनुमानगढ़ बोला गंगानगर का अल बख्श हाँ जी स्टैलियन है कितने साल का एग्जैक्टली सर ये अभी 3.5 साल का और हाइट एग्जैक्टली कितनी है 64 हाइट ऑल द बेस्ट सर और ये अभी हनुमानगढ़ मेले में चैंपियन था ना कौन सी पोजीशन फिफ्थ रैंक यहाँ पे क्या उम्मीद है देखो अब और ऊपर जाए ऑल द बेस्ट सर थैंक यू ये है एक और स्टैलियन आया है अक्षय सर आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो मेरा मुक्सर की है, लोकल है ओके क्या उम्र का है ये 6 इयर्स का है और क्या हाइट है क्या उम्मीद है सर यहाँ पे ये तो देखो उनके हाथ में है इससे पहले आपने कोई शो में उतारा था ये हाँ उतारा था ये कौन से शो में ये उतारा था मुक्सर ही उतारा था पिछले साल क्या रिजल्ट था सेवंथ पोजीशन और कितने घोड़े थे कंटेस्टेंट्स घोड़े थे हाँ 30 प्लस थे ओके तो ये बार कुछ और तैयारी करके आए हो हाँ जी बात सामने ही है आपको क्या लगता है उम्मीद है और भी घोड़े देख लिए उम्मीद तो सबको ही होती है आप हैंडल करोगे हाँ जी ठीक है ऑल द बेस्ट आप भी नर्वस हो गए थैंक यू ठीक है बेचने का इरादा है ना जी ओपन फॉर क्रॉसिंग हाँ जी हाँ जी हाउ मच डू यू चार्ज कितना पैसा इसका 21,000 है 21,000 रुपए और नंबर देना चाहोगे आपका नंबर नहीं 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 तो ऐसी लोग कैसे वो देखते हैं लोग YouTube पे वीडियो ठीक है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्या हाइट वैसे इसकी 62 प्लस ओके और कौन सी ब्लड लाइन का है सूर्य वाला ओके जी थैंक यू सो मच क्या नाम बताया इसका अक्षय नाम है थैंक यू से क्या नाम है घोड़े का फतेह और आप कहाँ के रहने वाले हो गंगानगर से बड़े घोड़े आए यार बहुत सारे फतेह कोई कोई शो में फतेह कर चुका है कौन से शो में कौन सा शो जीता है कोई भी शो पीछे नहीं रहा आप बताइए कोई एक शो का नाम कौन से साल की बात कर रहे हो कौन सी पोजीशन पे था चौथे पोजीशन पे हनुमानगढ़ में फतेह था और आप कहाँ के रहने वाले हो गंगानगर के ठीक है क्या हाइट है वैसे फतेह की सर 64 और कौन सी ब्लड लाइन का है प्रिंस का बच्चा ऑल द बेस्ट सर ओपन फॉर क्रॉसिंग कितनी है फीस फ्री में ठीक है ओके फार्म का नाम क्या है सिद्धू ब्रदर्स स्टड फार्म ओके सर बहुत खूबसूरत है ऑल द बेस्ट थैंक यू थोड़ा आगे चलाओगे चलता हुआ देखिए हम What a lovely horse. क्या नाम बताया इसका फतेह थैंक यू
नुकरे बहुत हो गए, मुझे लगा था एंट्री नहीं होगी लेकिन नुकरे बहुत हो गए। सर जी क्या नाम बताया घोड़े का? हीरा बा, अभी 37 मंथ का हुआ है। हाँ, और क्या हाइट है सर? हाइट है 66। और आप कहाँ के रहने वाले हो सर? लुधियाना से। और कोई शो में एंटर किया है पहले? जी ये पहले शो सभी भी किया है। कौन सा शो है? मिल्टी से लेके अभी जो दो शो हुए चार दांत के, वो इसने हनुमानगढ़ का। हनुमानगढ़ कौन सी पोजीशन पे था? हनुमानगढ़ सेकंड था, कुरुक्षेत्र फर्स्ट था। ओके, यहाँ पे क्या उम्मीद है सर? यहाँ पे तो बहुत नुकरे आए हैं, बहुत सारे आए हैं जी भाई। क्या तो बहुत है, देखो भाई। हाँ, आप किस में संतुष्ट हो गए? हम तो संतुष्ट हैं सभी। टॉप 6, टॉप 7, टॉप 1, 2, यही कहीं भी आए भाई। हाँ, ओपन फॉर क्रॉसिंग सर? जी ये अभी क्रॉस ओपन है। कितना फीस ले रहे हो आप इसके? 25,000। हाइट कितनी पकड़ा है? 66। कोई रिजल्ट अच्छा आया है इसका? अभी भाई आप ही बच्चा है, अभी चार दांत। अच्छा, अभी चार दांत, एक महीने पहले चार दांत। ओके ओके जी, ओके। आपका नंबर शेयर करना चाहोगे सर? 9877436892। और आपका नाम सर? इंद्रतोंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। क्या नाम बताया घोड़े का? हीरा, हीरा। पारस का बच्चा है मेरे पास ही था वो घोड़ा, पारस। उसकी डेथ हो गई, उसने भी सभी शो विन किए थे। ओके, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू, बहुत बहुत। यहाँ पे सारे चैंपियंस ही आए लग रहे हैं। थैंक यू। पारस का बच्चा है हीरा। नहीं मेरे हटा पिंड साहब आना लुधियाने। क्या नाम है घोड़े का? युवराज। शिवराज। शिवराज। स्पेलिंग इंग्लिश में? 855 स्वराज। स्वराज, SWAR, वो स्वराज ट्रैक्टर वाला, उस पर भी नाम रख दिया आपने। वेरी नाइस सर। से कौन सी ब्लड? आपका नाम कब का घोड़ा है? आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है जी लाडी विर्क। लाडी विर्क। हाँ, और कहाँ के रहने वाले हो? हम जी पटियाला डिस्ट्रिक्ट, पटियाला। पटियाला से। कोई शो में उतारे हो पहले? हाँ जी, हाँ जी, 7 शो लगाए हैं जी, 2 में चैंपियन है जी। कौन सा शो? फरीदकोट और कुरुक्षेत्र हरियाणा। कौन से साल की बात? 2022 में। 2022 में मार्च महीने में फरीदकोट से चैंपियन है और दिसंबर में कुरुक्षेत्र से। डेढ़ साल का गैप आ गया है, तो डेढ़ साल में इम्प्रूव हुआ है कि थोड़ा? हाँ जी हाँ, बिल्कुल जी इम्प्रूव। ऐसे है कि हमने पहले ही सोचा होता है शो कोई नहीं छोड़ना, सारे शो लगाएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि पोजीशन कौन से आते हैं। यहाँ पे ऐसा है कि जिससे पूछो कोई ना कोई शो जीत के आया है घोड़ा। हाँ जी हाँ जी, कॉम्पिटिशन बड़ा टफ होगा। हैंडलर कौन रहेगा? हैंडलर हम 4-5 हैं जो भी, पर अंदर तो मेरे ख्याल से एक ही बंदा लेके जाता है। नहीं, दो दो बड़े घोड़े के साथ, दो और छोटे बच्चे के साथ, वैसे दो भी चले जाते हैं, वैसे ज्यादातर एक ही चाहिए। इनको हैंडल करना बहुत कमाल की बात है, घोड़े को घोड़ा देख के ना कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जी जी जी। सर क्या हाइट पकड़ा है इसने? हाइट 65 जी। एंड कौन सी ब्लड लाइन का है? ब्लड लाइन ये बिल्कुल डिफरेंट ब्लड लाइन है, साहू के ब्लड लाइन। साहो, साहो के गांव है मोगे के पास, डिस्ट्रिक्ट मोगा। और ये पंजाब में शायद एक दो घोड़े और हों, नहीं तो मेरे को ये पता कि मेरे पास ही आओगे। लेकिन बहुत फिट है। हाँ जी, माशाल्लाह, वेरी फिट सर। एग्जैक्ट एज कितनी है इसकी? एज 6.5 साल का हो गया। 6.5 साल। हाँ जी। आपने क्या बेचने के इरादे से पाला है? नहीं जी, मैं सोच के ये लाया था कि घोड़ा रखना है, परमानेंट रखना है और ब्रीडिंग के लिए रखना है। और कितने घोड़े हैं अपने पास? घोड़े 2 घोड़ियां हैं, एक बच्ची है और एक घोड़ा, 4 जानवर। बहुत सुंदर है, नाम भी यूनिक रखा है स्वराज। स्वराज इसलिए रखा है कि तकरीबन ज्यादातर सेम हो जाते हैं नाम, 2-2, 3-3, सुल्तान या कोई भी और नाम है। हमने स्वराज इसलिए रखा है, स्वराज घोड़ा और है नहीं। नाम तो बहुत अच्छा। हाँ जी हाँ जी। बहुत यानी एकदम चाड़ा जैसा नेक है ना इसका, नेक बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत सुंदर। ऑल द बेस्ट सर। हाँ जी। ओपन फॉर क्रॉसिंग? हाँ जी ओपन। कितना फीस लेते हैं? 21,000। आपका नंबर देना चाहोगे हमारे दर्शकों? बिल्कुल जी, 9981436532। एंड आपका नाम? विर्क। लाडी विर्क। हां जी, हां जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये है स्वराज। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ स्वराज? हाइट 65। ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भाई ये कोड़े को बाहर ले जाओ, बाहर ले करो, दोनों दोबारा बुला लूंगा। मैं कोड़ा ले आऊंगा। क्या करना है सर जी? क्या नाम है घोड़े का? राजरूप। राजरूप। कोई शो में पार्टिसिपेट किए हो पहले?
कौन से साल मान लो भी फोटो में आया है चार टी 2020 वाला होगा फरवरी अडल्ट अभी हुआ है फरवरी तो अभी स्टैलियन बना है प्रॉपर ओके ऑल द बेस्ट फर्स्ट एंट्री एज अ स्टैलियन शो में पहले एक ही मैं टीथ में लड़ा दो टीथ में कोई कंपटीशन नहीं थी तो फोर टीथ में कौन क्या नाम है इसका राजरूप राजरूप और कौन सी ब्लड लाइन अर्जुन रोली वाले का बच्चा क्या हाइट पकड़ा है सर इससे प्रॉपर 67 इंच है जिस स्केल पर सर यहां पर जितने भी आपको दिख रहे हैं ना सारे कहीं ना कहीं जीत के आए तो थोड़ा प्रेशर लगता होगा ना चलो ऐसे जी कंपटीशन है कोई जीता तो मायने नहीं रखती पहले तो पार्टिसिपेट करना सबसे एब्सोल्युटली एटलीस्ट लोगों को देखने तो मिलेगा पता तो लगता है किसके पास क्या चीज है लेकिन घोड़ा जितना भी आ रहे हैं सब अच्छे बने हुए 19-20 का फर्क होगा बस बाकी सारे अच्छे टफ कंपटीशन होगा देखने के मुताबिक लगता है दिस इज ओपन फॉर क्रॉसिंग हां जी हाउ मच आर यू चार्जिंग पहले तो इसकी बीच में तो जी 25,000 करती थी अब फ्री है टू टी तक चलो आप बच्चों के लिए फ्री है जी कोई बात नहीं ठीक है अभी कितनी है अभी 21,000 है क्यों अभी तब थोड़ा सा मतलब मच्योर नहीं था टू टी में ऐसे तभी ज्यादा प्रेशर ना हो बॉडी का अभी 40 में 21,000 अभी तो रिजल्ट आया भी नहीं होगा आया है नहीं नहीं जी इससे अभी गोड़ी 272 गोड़ी क्रॉस हो चुकी है इसको ड्यूटी पे लगा दिया है आपने लगता दिन रात वही करता है क्या अभी बच्चे इसके ऐसा ना हो तंग आ जाए फिर ऐसा नहीं अभी इसके 78 से 78 to 82 बच्चे आ गए जिसमें चार हमारे पास घर पर है इसके बड़े फास्ट सर्विस दे रहे हो आप 272 इन सच अ शॉर्ट टाइम चलो ऐसे जी ऐसे ज्यादा तो रहता ही है कई बार कोई क्वेश्चनिंग कर ले तो जवाब तो ठीक है वुड यू लाइक टू शेयर योर नंबर सर आपका नंबर शेयर करो 9863500046 और आपका पूरा नाम क्या है सर रणदीप सिंह चट्ठा स्टड फार्म तलवंडी साहब ओके जी और इसका नाम क्या बोला राजदूप और क्या हाइट बोली राज 67 ऑल द बेस्ट सर ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू 67 हाइट का राजदूप क्या नाम है सर घोड़े का क्या नाम है शक्ति शक्ति और कहाँ के रहने वाले हो आप लोग पीटी वाला क्या खास बात है सर ये कोई शो जीता है पहले ये जो भी शो में इससे पहले गया है वो सभी शो चैंपियन है रिसेंटली इसने हनुमानगढ़ जो 2023 का जो शो हुआ था उसमें फर्स्ट रनर अप है क्या नाम है 2018 सारंगखेड़ा भी चैंपियन है 2000 बहुत लंबी बात हो गई अभी उम्र कितनी है इसकी ये कम से कम 11.5 साल का घोड़ा है क्या नाम है घोड़े का शक्ति हाँ जी और क्या हाइट है शक्ति देखो आपको इसकी 64 इंच क्या उम्मीद है सर ये मेले से उम्मीद है कि बिल्कुल 100% जीतेगा इस बार भी जीतेगा अगर नहीं जीता तो नहीं जीतेगा हाँ फिर तो प्रोटेस्ट तो नहीं करोगे ना नहीं प्रोटेस्ट नहीं करेंगे जो अच्छा होगा वो जीतेगा ही और एक्चुअली क्या है सारे विनर्स ही आए हाँ। तो बड़ा मुश्किल है जजेस के लिए भी आप जैसे बोल रहे हो कि आगे पहले कोई शो जीता या नहीं जीता हाँ। तो जो भी शो में ये गया है वो सभी शो जीता है कोई भी शो ऐसा नहीं है जिसमें ये नहीं जीता सेकंड थर्ड इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितने घोड़े आ रहे हैं सारे यही कह रहे हैं कि हर शो हम वो जीते हैं तो आपका सब विनर्स के साथ मुकाबला है कोई लूजर नहीं आ रहा है ये तो बिल्कुल सही बात है जो बंदा घोड़ा रिंग में लेके आता है उसका घोड़ा अच्छा ही होता है चैंपियन ही होता है ओपन फॉर क्रॉसिंग हाँ जी ओपन फॉर क्रॉसिंग हाइट कितनी है इसकी सर हाइट 64 इंच विद वाटर स्केल एंड व्हाट ब्लड लाइन इट इज फ्रॉम ये ब्लड सूर्यवाला हाँ जी कितना क्रॉसिंग का फीस ले रहे हो 31,000 क्यों इतना सारा हाँ जी क्यों इतना सारा इतना सारा अच्छा इतना सारा तो शौक बढ़ेगा ना ज्यादा नस्ल बढ़ेगी सस्ता करोगे तो आप अगर चेक करोगे कि सभी चैंपियन घोड़े की फीस कवरिंग फीस चेक करोगे किसी की भी 51,000 से ज्यादा है तो आपके हिसाब से कम ही है सबसे कम है इससे कम है ही नहीं किसी चैंपियन घोड़े का एंड व्हाट इज योर फोन नंबर सर कौन से नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9417739392 ठीक है ये पोजीशन में बहुत सुंदर लग रहा है घोड़ा थैंक यू सो मच थैंक यू ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट